नमक चाय पीने के बाद हम फिर बढ़ चले हैं साइलेंट वैली कैंप की ओर। गढ़ के ऊपर से व्यू ये रहा, बिल्कुल घाटी में बसा ये जगह साइलेंट वैली, यानी सही में साइलेंट वैली, अंधेरा जैसा है बिल्कुल चारों ओर, सूरज की रोशनी हल्का पहुंच रही है। तो गोरखे से ऑलमोस्ट वर्टिकल क्लाइम है ये, क्लाइम करके हम 15 मिनट्स मुझे लगा साइलेंट वैली आने के लिए। ये है साइलेंट वैली, लॉस्ट वैली भी इसको बोला जाता है, साइलेंट वैली या लॉस्ट वैली। सब सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन हमको लगता है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये एक्मलेटाइज हो जाएगा और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग आ जाएगा मेरा। तो ये है साइलेंट वैली, इसकी खूबसूरती। अब हम चलते हैं आगे समंदेन विलेज। चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है जी। सीधा चलेगा समांदेन, समांदेन विलेज। सो दिस इज अ स्कूल, यू कैन इमेजिन इतनी अल्टीट्यूड में समांदेन विलेज में का एक स्कूल। देखिए, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1957। आप सरप्राइज हो रहे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन 1957 से ये स्कूल चल रहा है। आप गाड़ी लेके नहीं आ सकते हैं, आना है तो पैदल ही आना है। ये वेस्ट बंगाल का एक पार्ट है, दारा गांव। बेहतरीन खूबसूरती का नमूना ये स्कूल का प्लेग्राउंड है। दिस एरिया इज अंडर रेड पांडा हैबिटेट। तो ये एक टिपिकल गांव हिमालय की गोद में बसा। ऑस्ट्रेलिया होम स्टे नया है। ये एक क्लाइंबर फ्रूट है ना, इसका यूज क्या है? मोटा वाला जो है ना, उस टाइम में तो वो सब्जी सब्जी खाते। अच्छा, स्ट्रांग हो जाएगा तो वो काऊ को खाएगा। अच्छा, वो काऊ को खाएगा। अच्छा, काऊ को फिर खिला देते हैं गाय को। ओके, थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।
ये चलते चलते हम लोग अब थोड़ा सा यहाँ रुकेंगे, रेस्ट करेंगे। चार्जिंग हो जाएगा ना? आप बंगाली? हाँ बंगाली, यू नो बंगाली? शेरपा। हाँ शेरपा, मतलब आप तो नेपाली बोलते हैं? ओके। नीतीश है ना? नीतीश। अच्छा नीतीश छत्री? नीतीश राय। नीतीश राय, ओके। आरे आई? आरे आई। ओके, आप भी नेपाल से हैं? नेपाल नहीं, इंडिया से। इंडिया मतलब नेपाली हैं? नेपाली से। ओके ठीक है। चिलिंग की खूबसूरती। हाँ समंदेन विलेज में मैं आया हूँ, थोड़ा सा इनके ये जो जहाँ मैं आया हूँ इन यहाँ पर घूम लेते हैं। ये क्या है एक्चुअली? ये अल्टीट्यूड 7600 फीट अल्टीट्यूड पे बसा है समंदेन। ये इनका एक छोटा सा होम स्टे है। कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी अजीब है इधर देखने को मिलती है। ये जो दिख रहा है ये मूली है, ये मूली नहीं, यहाँ इनको मूला बोलते हैं। इसको ऐसे नहीं खाया जाता है, इसको सुखा के ड्राई करके ये ड्राई किया जाता है, फिर इसको पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बना के फिर इसको कंज्यूम किया जाता है, खाया जाता है। ये एक तरह का मूली ही है पर ये लोग इसको मूला बोल रहे हैं। हमारे शेरपा जी एक मूला उठा के लेके आए हैं। मूला मतलब पूरा मूला ही है ये एक्चुअली। बिल्कुल अजीब है। मुर्गियाँ पल रही हैं बिल्कुल नेचुरल वातावरण में, मस्त एकदम मोटी मोटी हो गई हैं। चलिए धीरे से इनके किचन को भी देखते हैं। थोड़ा सा अंधकार है और लकड़ी में खाना बनता है इनके यहाँ, फिर भी देखते हैं क्या है। ये लकड़ी में खाना बन रहा है, लकड़ी के चूल्हे में। थोड़ा धुआं होता है नहीं, लेकिन वो धुएं में दिक्कत नहीं होता है? इनकी हैबिट हो गई है, ये धुएं में इनको दिक्कत नहीं होता है। देखिए बाहर सूरज की रोशनी कैसे अंदर घुस रही है। ये एक साग है, भाजी है, जिसको हम लोग महाराष्ट्रियन में भाजी बोलते हैं। ये राय साग बोलते हैं इसको। ये बहुत बड़ा बड़ा पत्ता है भी बन रख, ये लोग उगाते हैं यहाँ आलू और इस तरह से रख दिए हैं, खाएंगे जब इनको जरूरत होगा। मधुमक्खी पालन भी यहाँ होता है ट्रेडिशनल वे में। शहद यहाँ प्रोडक्शन ये लोग करते हैं अपने कंजम्पशन के लिए, या अगर कोई मांगता है तो उन्हें भी देते हैं। गांव के घर में छोटा सा डाइनिंग स्पेस, छोटा सा किचन स्पेस। ये चाय, चाय बन के रखी है। और ये देखिए छोटा सा गांव है, लेकिन आप तरीका देखिए। आए शुगर क्यूब्स के साथ इन्होंने हमारे लिए चाय बना के रखी है। कप्स प्लेट आप देखिए, बिल्कुल बहुत ही सुंदर तरीके से सजा के रखा हुआ है। किल्स इसमें लिखा हुआ है, स्मोकिंग किल्स। और ये स्ट्रेट बांस का एक टुकड़ा से ऐसा लग रहा है बनाया हुआ है। और फलगी, एक फलगी शर्व किया गया है। देखते हैं ये फलगी क्या है। थोड़ा सा ढक्कन हटा के, फलगी ये क्या है? फलगी ओके। कॉर्न का बना हुआ है ये फलगी बोलते हैं, कच्चा कॉर्न का ना। अच्छा बिल्कुल ही अलग है, गरम गरम परोसा गया है। ये इनके कम्युनिटी के राजा पहाड़ू हाट सुन्नी सुमिन्नमा, राय जाति का राजा। ये फलगी के साथ साथ अब हमारे पास चिकन भी है। चिकन उसमें डाल के और दोनों को खा लेंगे। ये जो मौका होता है ना, इसमें पकने के लिए टाइम लगता है। अच्छा चिकन डाल दिया तो चिकन वो हो जाएगा ना। अच्छा ओके, अलग से पका के फिर वो मिक्स करके बनते हैं, खाते हैं। बस बस चिकन भी इसी में डालना पड़ रहा है। मिर्ची है? ओहो ये तो एकदम चेरी जैसा है, पर ये बहुत तेज लगेगा क्या? टेस्ट इसको टेस्ट करेंगे तो बाकी चीज टेस्ट करना भूल जाएंगे हम। देखने में तो जितना खूबसूरत उतना ही तेज है। हरा मकई, जब मकई हरा रहता है उस समय का है वो है। और इसको खाते हैं इसे इसमें डाल के। और ये चिकन है, चिकन को भी इसमें डाल के खाते हैं। और ये एक बड़ा भयंकर चीज़ है, ये मिर्च है। देखने में जितना खूबसूरत उतना ही तेज। मैंने भी एक रखा है खाने के लिए, देखते हैं टेस्ट करके कैसा लगता है। और सलाद भी दिया गया है, ये पानी। ये आपने खाया वो कैसा लगा टेस्ट? बहुत अच्छा लगा। खाते हैं फलगी। ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल गांव का फूड है, एक अलग आनंद है। अच्छा लगा खाके।
थैंक यू फॉर ऑफरिंग दिस फूड। तो चलते हैं यहां से। बहुत दाजला खाटी है। सही ना पलाई भाई। अब यहाँ से निकलेंगे। अभी यहाँ से निकल के हम लोग कहाँ जाएंगे? आलूबाड़ी कैंप। आलूबाड़ी कैंप। और ये एक देयर वाज अ स्मॉल ब्रीफ स्टे ओवर हियर इन समंदन विलेज। वी हैव टेकन लंच, वेरी ब्यूटीफुल देसी लंच। और यहाँ लंच लेने के बाद अब हम लोग निकलेंगे आलूबाड़ी कैंप। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आलूबाड़ी कैंप पहुँचते पहुँचते शाम का 4 बज सकता है। थोड़ा डिस्टेंस है और हाइट भी है, थक जाएंगे तो इसीलिए लेट्स मूव। थोड़ा जितना जल्दी यहाँ से निकल जाए उतना सही है। आइए से जाएंगे ना। तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। रुपए कैसे हो? हम लोग किधर जाएंगे अब? अच्छा इस रास्ते से उसमें चढ़ना है हम लोग को क्या? अच्छा इसमें चढ़ना है, यानी इधर से जाके अब ये सामने जो ये जो पहाड़ दिख रहा है इसमें चढ़ना है। ये सिर्फ क्लाइंबिंग ही क्लाइंबिंग है, अपहिल है, थोड़ा सा शक्ति परीक्षण भी है, बॉडी कैपेसिटी अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में चढ़ते समय। खाना तो खा लिया हूँ जम के, देसी फूड। लेट्स मूव। हाँ जय बजरंग बली करके चढ़ना है और कोई उपाय भी तो नहीं। तो ये क्या मांग रही हैं? चॉकलेट। ये चॉकलेट मांग रही। मैंने इनको पैसे देने की कोशिश की पर इनके पैसे नहीं ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चॉकलेट ही खाएंगे। ठीक है मेरे पास एक पड़ा हुआ, उनको दे देते हैं। तो ये हम अब फालूक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो चेहरे का हालत है ना, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। हम लोग आलूवाड़ी कैंप पहुंच चुके हैं लेकिन बहुत लंबा ट्रावर्स करने के बाद, मतलब 3.5 घंटा लगातार चलने के बाद हम लोग आलूवाड़ी कैंप पहुंचे हैं। जंगल के बीचों बीच है और यहां से कई बार हमें कंचन जगह दिखाई दिया पेड़ों के बीच में से, लेकिन बहुत ही मतलब एग्जॉस्टिव ट्रेक था ये। और खुशी इस बात की है कि जो हमारा आज का डेस्टिनेशन था आलूबाड़ी कैंप, वो हम पहुंच चुके हैं और हमारे पीछे है आलूबाड़ी कैंप। बस पहुंचेंगे और आज रेस्ट बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि थकावट बहुत जम के हुई है। मतलब एक्सप्लेन करना मुश्किल है किस लेवल का
टाइडनेस है, पर एनीवे जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो सारी पीछे की सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, भूल जाते हैं और एक अलग आनंद, एक एक्सटेसी जिसको बोलते हैं, उस एक्सटेसी में आप पहुंचते हैं। एंड देन वी हैव कम टू द आलूवाड़ी कैंप। तो चलिए आलूवाड़ी कैंप सीधे पहुँचते हैं अब, है ना। 8 बजे निकल के और अभी टाइम है 3:44, 3:44 बज चुके हैं और अब हम आलूवाड़ी कैंप घुस रहे हैं। एक आइसोलेटेड कैंप, यहाँ से तो दिख रहा है कंचनजंगा। हाँ, ये कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला यहाँ से काफ़ी नज़दीक दिख रहा है। कंचनजंगा पर्वत श्रेणी सामने, बिल्कुल सामने, खूबसूरत। ये आलूवाड़ी कैंप से ये व्यू है कंचनजंगा पर्वत श्रेणी का, बर्फ से ढका हुआ पूरा कंचनजंगा। ये अचीवमेंट है, ये इतना ट्रेक करने का, इतना मेहनत करने का जो रिवॉर्ड है ये यही है। ये जो सामने खूबसूरती दिख रही है ना, इसको ऐसा लगता है कि आप अपने गोद में ले ले, चूम ले। इतनी मेहनत करने के बाद इतना खूबसूरत एक नज़ारा, ये जन्नत है। इस जन्नत को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, 8 घंटे का ट्रैवल करके पहाड़ों में, कमरों से पैदल चलकर हम इस जगह तक पहुँचे हैं, बहुत ही खूबसूरत। कल हम यहाँ से फालूत निकलेंगे, फालूत से यही नज़ारा और भी खूबसूरत, और भी नज़दीक। साइलेंट वैली वहाँ आखिरी पॉइंट था जहाँ हम मोबाइल अपना चार्ज कर सकते थे। आलूवाड़ी में जब हम पहुँचे तो हमें मोबाइल चार्ज करने में थोड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि यहाँ पर सोलर पैनल से ही लाइटिंग था और जो रूम बिल्कुल मोमबत्ती से ही जला लाइटिंग हो रहा था, और इसके अलावा लाइटिंग का कोई साधन नहीं। ये आखिरी पॉइंट था जहाँ हमको मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन मिला, क्योंकि इसके बाद हमको कंप्लीट एक दिन जो अब हम ट्रैवल करेंगे हमको कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं मिले। और ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो नहीं था, खाने पीने का रूम भी छोटा था और यहाँ सिर्फ एक बाल्टी पानी मिला था, जिनकी हमको उसमें किस तरह से अपना काम चलाना पड़ा।